बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं प्रोग्राम लजीज खानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की मेरी रेसिपी बहुत ही ख़ास है, झटपट बनने वाली है। 10 मिनट बस चाहिए और आपकी ये रेसिपी तैयार है, और बिना किसी झिझक के और बिना किसी तकल्लुफ के आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो आइए वक्त ज़ाया किए बग़ैर आज की अपनी बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी का आगाज़ करते हैं, जिसका नाम है चिकन स्मोकी कबाब विद गार्लिक पराठा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लेना है जी एक अदद प्याज। ये लेने हैं आपने जो है 200 ग्राम चिकन के मुकाबले में आपने जो है एक अदद जो है बड़ी प्याज लेने हैं, एक इंच जो है अदरक का टुकड़ा लेना है, 2 से 3 जो है लहसुन लेने, एक अदद टमाटर लेना है, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेनी है, और थोड़ा सा जो है वो आपने चने लेने हैं। चनों की ये जितना बाज़ार में इजीली अवेलेबल होते हैं, कि इनके छिलके उतरे होते हैं और ये जो है सॉफ्ट बनाने के लिए आपके कबाबों को काफ़ी ज़रूरत आपको इनकी ज़रूरत होती है। अच्छा जी, ये लेने के बाद हम लेंगे जी लाल मसाला। जात में आता है जी आधी चाय की चम्मच जो है लाल पीसी हुई मिर्च, आधी चाय की चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, और थोड़ी सी जो है अनारदाना थोड़ा सा पीसा हुआ चाहिए, और सफ़ेद ज़ीरा चाहिए आधा चाय का चम्मच, और आधा चाय का ही चम्मच चाहिए हमें जी सफ़ेद मिर्च, और आधा चाय का चम्मच हमें चाहिए गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच हमें चाहिए जी धनिया पाउडर, और थोड़े से दाने जो है कलवंजी के चाहिए। नमक आपको हसबे ज़रूरत चाहिए, मैंने इस वक्त जो है वो आधा चाय का चम्मच ही नमक लिया है। ऑयल हमें जो है वो हसबे ज़रूरत चाहिए, जितनी फ्राइंग के लिए ऑयल की ज़रूरत है हम उसमें ऐड कर लेंगे। वैसे मेरे पास इस वक्त जो है हाफ ऑयल जो है वो ऑयल मौजूद है। एक अदद जो है हमें एग चाहिए, उसको जो है योग के नहीं डालनी उसमें, क्योंकि आपको सिर्फ वाइटिश चाहिए, तो हम जो है इसको डालते हुए जो है उसकी योग को निकाल लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जो है मिक्सचर तैयार करते हैं। एक अदद प्याज हमने ऐड कर लिया, इसी तरह साथ हमने 2-4 दाने जो है वो हमने ऐड कर लेंगे चनों के, अदरक लहसुन हरी मिर्च, साथ हम जो है टमाटर ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही हम जो है चिकन को ऐड कर लेंगे। मैंने जो है वो चेस्ट पीस लिया है, आप चाहे तो इसको जो है आप बोनलेस किसी भी हिस्से का जो आपको पसंद है वो आप करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है इसे हम चॉप कर लेते हैं, और उसके बाद जो है लाल मसाला जात इसमें ऐड कर देंगे। लीजिए जी, अब हमारा जो है ये चॉप हो चुका है, तमाम मसाले जात के साथ जो है चिकन चॉप कर लिया हमने। अब इसको हम जो है डिश आउट करते हैं, और उसके साथ हम जो है इसमें लाल मसाला जात ऐड करेंगे। एक बाउल ले लें, इसमें हम निकाल लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने जो मैंने क्वांटिटी बताई थी उसके मुताबिक हम इसमें तमाम मसाले जात को ऐड कर लेंगे, और इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आप चम्मच की मदद से करेंगे तो वो किसी साइड पर जो है मसाला जो है वो जुड़ जाता है या चिपक जाता है, वो सही तरह से नहीं हो पाता, इस वजह से हाथों की मदद से ही ये काम होता है। अच्छा जी, अब हम इसमें जो है ऑयल ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच खाने के। ऑयल हमेशा जो है वो कम ऐड करते हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा ज़्यादा डालें, लेकिन अगर पहले ही आप डाल देंगे तो फिर वो सारा ऑयल जो है जज्ब कर लेते हैं कबाब, तो वो टूटने का खदशा होता है, ये बात याद रखें। हाथों की मदद से ही हमने कबाबों को शेप देनी है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे साथ, आँच को देख लेते हैं हल्की है या तेज़ है, गर्म तो हो गया है, इसको हम थोड़ा सा बीच में इस तरह रख देंगे। फ्लेम जो है वो हमेशा जो है वो स्लो हीट में रखिएगा, क्योंकि एकदम से फिर कबाब जो है वो ब्राउनिश तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से वो पके नहीं होंगे और सॉफ्ट नहीं होंगे। ये देखिए, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल रह गया होगा, वो भी मैंने बहुत ही जो है क्वांटिटी में कम रखा है, क्योंकि ऑयल जो है ज़्यादा हो तो जैसे मैंने पहले कहा कि कबाब टूटने का खदशा होता है। तो ये लीजिए, हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इनके साथ हम जो है मैंने कोयले को जो है गर्म किया हुआ है, इसको स्मोकी स्मेल देने के लिए जो है वो कोयला रेडी हो रहा है। फिर हम जो है गार्लिक पराठे की तरफ जाएंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में जो है वो तैयार हो जाएगा।
हम इसे जो है 2 से 3 मिनट तक स्टीम देंगे। उसके साथ ही हम इसको स्मोकी स्मेल देने के लिए भी इसके अंदर ही हम जो है वो कोयले को रख देंगे। वो मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। इसके साथ हम जो है अपने गार्लिक पराठे की तरफ जाने लगे हैं। गार्लिक पराठे के लिए हमें जो है जैतून का तेल मैंने इंतखाब किया है, जैतून का तेल और साथ में जो है लहसुन और थोड़ी सी एक अदद हरी मिर्च को हमने जो है वो चॉप कर ली है। इसके साथ हम जो है पराठा बनाने की तरफ जा रहे हैं। इसमें आपने लहसुन रख देना है। कुछ बच्चों को जो है वो गार्लिक बहुत अच्छा लग रहा होता है, कुछ को इसकी खुशबू ही से ज़रा हो रहा होता है कि जी नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि गार्लिक पराठे घर में बनाया करें। गार्लिक पराठों में ये खासियत है कि ये सेहत के लिए बहुत ही जो है मुफीद होते हैं और इनसे जो है निज़ाम हाजमा जो है वो तेज़ होता है। और आप बच्चों को इसकी ज़रूर आदत डालें। और अगर बच्चों को इनकी स्मेल से कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसा ऐसा जब एक आध बार वो लेंगे तो फिर वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप घर में हफ्ते में चाहे एक दिन बनाएं, लेकिन ज़रूर बनाया करें। ये इसकी रंगत आ रही है, हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। जब आप इसे घर में ट्राई करेंगे इन कबाबों के साथ और साथ आपके ये गार्लिक पराठे होंगे, तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप घर में बैठे होंगे। आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जो है वो फ्लेवर महसूस होगा। जी हमारे जो हैं वो गार्लिक पराठे भी तैयार हो चुके हैं, हमारा चिकन कबाब स्मोकी भी तैयार हो चुका है। हम ये देखें कितने अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, इसका फ्लेवर भी देख लें और इसका टेस्ट भी होपफुली बहुत अच्छा होगा। मैं इसको यहाँ पर डिश आउट कर रही हूँ, साथ में डेकोरेट कर रही हूँ। लीजिए जी मज़ेदार किस्म के चिकन स्मोकी कबाब विद गार्लिक पराठा तैयार हैं। होपफुली आपको पसंद आए होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरा ये पैगाम ज़रूर ले लीजिएगा कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।